हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर के बारे में कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर यानी हम जीरो के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम प्रेशर के रिस्पेक्ट में प्रेशर को जब मेजर करेंगे तो उस प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे। और क्योंकि हमारे आसपास जो है एटमॉस्फेयर है तो लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के रिस्पेक्ट में अगर हम प्रेशर को मेजर करेंगे तो उस प्रेशर को हम गेज प्रेशर कहेंगे। इसीलिए जो गेज प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मेजर किया है उसको जब हम एब्सोल्यूट प्रेशर में से रिड्यूस करेंगे तो हमें गेज प्रेशर मिलेगा। नॉर्मली जो गेजेस हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो है हमें गेज प्रेशर मिलता है, ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है ए, तो अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर ए है और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये गिविन है, ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, तो हमारा गेज प्रेशर ए पॉइंट पे ये इस लाइन से रिप्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर जो है गेज प्रेशर जो हमारा है यानी एब्सोल्यूट प्रेशर जो है कोई दूसरा पॉइंट है बी, वहाँ पे लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो जब हम वहाँ पे गेज प्रेशर कैलकुलेट करेंगे यानी एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी। इसी प्रेशर को हम नेगेटिव गेज प्रेशर भी कहते हैं या फिर सक्शन प्रेशर कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो।